जयपुर के सुभाष नगर दूध मंडी लालबत्ती चौराहे से साइंस पार्क तक 65 लाख रुपए की लागत से नई डामरीकरण सड़क बनाने के कार्य की मंगलवार को शुरुआत हुई। जेडीए द्वारा बनाई जा रही इस रोड का काम मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और हेरिटेज नगर निगम महापौर मुनेश गुजर ने शुरू कराया। तैयारी हो गई। कहते हैं ये आंदोलन जीवी है, ये परजीवी है, ये कीड़े हैं। अरे भैया, आंदोलन तो अटल जी, अडवाणी जी और भैरू सिंह जी ने किए थे। प्रधानमंत्री आप बन गए, अडवाणी की लाइफ परेशान है, बैठे पूर्ण धुपारी और डोकरो। नकली बीजेपी ने कब्जा कर लिया असली बीजेपी पे। बीजेपी वालों ने अटल जी प्रधानमंत्री थे, कभी पेट्रोल डीजल और गैस पे जनता की जेब नहीं काटी। इस गैस सिलेंडर पेट्रोल डीजल के खिलाफ हम आंदोलन शुरू करेंगे, जबरदस्त आंदोलन होगा। सरकार को हम झुकाएंगे पेट्रोल डीजल और गैस के दाम कम करने के लिए। देश को खतरा तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी से है कि देश में हिंदू मुसलमान के नाम पर दंगे करवा कर राज करना चाहती है बीजेपी। कोई चिंता नहीं, इतना घमंड है। मैंने दाढ़ी रख ली, मैं रविंद्रनाथ टैगोर हो गया। भाई साहब, रविंद्रनाथ टैगोर दाढ़ी रखने से कैसे हो सकता है? मां धोती बेंगलुरु में कह दू भैरू सिंह शेखावत हो गया, वो भैरू सिंह शेखावत अलग है, प्रताप सिंह खाचरियावास अलग है, ऐसे कैसे होगा? झूठ बोलने में नंबर वन पर यदि किसी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को झूठ बोलने का गोल्ड मेडल मिलना। जयपुर में और पूरे प्रदेश में कांग्रेस की गहलोत सरकार चाहती है कि डेवलपमेंट जबरदस्त हो, गुड गवर्नेंस हो। इसी कड़ी में एक अच्छा बजट सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री खुद फाइनेंस मिनिस्टर भी हैं। जैसा बजट आया, मेरा ये मानना है सरकार कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की, सरकार को तराजू में तोल परख कर ये वोटर को देखना चाहिए वर्किंग कहाँ हो रही है। अब दो सरकारें काम कर रही है, केंद्र में मोदी सरकार, राजस्थान में गहलोत सरकार। अब वक्त आ गया जब 2 वर्ष का काम हमारा पूरा हो गया, एक वर्ष से ज़्यादा का उनका हो गया, तो हिसाब किताब होना चाहिए। कितने वादे गहलोत सरकार ने किए, कितने मोदी सरकार ने, किसने कितने वादे पूरे किए। अब ये हिंदू मुसलमान के नाम पर झंझट करके, झूठा पाकिस्तान का डर दिखाकर, पाकिस्तान की खबरें चलवाकर कब तक वोट लेते रहोगे? देश को काम चाहिए। 3 दिन में 50 रुपये गैस सिलेंडर पर बढ़ा दिए, सब्सिडी खत्म कर दी गैस सिलेंडर की, पेट्रोल डीजल में आपने आग लगा दी, 7.5 लाख करोड़ के पूंजीपतियों के कर्जे माफ कर दिए, किसान रो रहा है, नौजवान आत्महत्या कर रहा है बेरोजगारी से, तो केंद्र की सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। और राज्यों का पैसा आप देते नहीं हो। एक्साइज ड्यूटी जो पेट्रोल डीजल पर चल रही है उसमें ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी अलग है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी और स्पेशल एक्साइज ड्यूटी के नाम पर राज्यों का हिस्सा तो कम कर दिया और खुद पैसा लेकर जा रहे हो। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भरी हुई दाढ़ी पर भी तंज कसते हुए कहा कि जैसे मैं धोती पहनने से भैरव सिंह शेखावत नहीं हो सकता, वैसे दाढ़ी बढ़ाने से वो रविंद्रनाथ टैगोर नहीं हो सकते। प्रधानमंत्री को नाटकबाजी शोभा नहीं देती। झूठ बोलने पर यदि किसी को गोल्ड मेडल मिलना चाहिए तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिले। जयपुर से अंकुर जाकर, ईटीवी भारत।